जितना पानी लगा हुआ रहता था उससे ज्यादा और ठेकेदार कर चुका है। लोगों में आक्रोश है तो आखिर ये समस्या जिस समस्या से लोग जुड़े, उन्होंने बताया कि हम आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं, आज हम बाहर हैं, कल बारिश हो रहा है। यह नहीं होगा जब तक लेवल नहीं मिलाओगे तब तक ढलैया नहीं होगा। नमस्कार, मैं संजीव और आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज विद्यापति धाम और इस वक्त मैं मौजूद हूँ समस्तीपुर जिला के विद्यापति प्रखंड। जो हमारे पीछे तस्वीरें आप देख रहे हैं ये बाजितपुर पंचायत जो प्रखंड क्षेत्र का तस्वीरें आप देख पा रहे हो। जल जमाव की समस्या से जिस समस्या से लोग आज दशकों से जूझ रहे थे और सड़क का शिलान्यास भी तकरीबन 45 लाख रुपए से माननीय विजय कुमार चौधरी जी के द्वारा कर कर्मों के द्वारा जो रोड का शिलान्यास हुआ वो तकरीबन मैं बतला दूं 26 फरवरी 2024 को हुआ। लेकिन जिस समस्या से लोग जूझ रहे थे उस समस्या से अब लोग और भी जूझेंगे ये जैसा लोगों का कहना है। राजा चौक से तकरीबन 200 मीटर बाजितपुर के तरफ आने के बाद जो जल जमाव की समस्या थी वो दशकों से बना हुआ था लेकिन वो समस्या अब आगे तकरीबन 300 मीटर बढ़ के 300-400 मीटर और बढ़ चुका है। लोगों में आक्रोश है तो आखिर ये समस्या जिस समस्या से लोग जूझ रहे थे वो समस्या तो बढ़ ही गया। कुछ लोग हैं उनसे ओपिनियन लेने का प्रयास करेंगे, क्यों खपा है आप लोग, क्यों खड़े हैं जल में, क्या है क्या कि पहले जितना पानी लगा हुआ रहता था उससे ज्यादा और ठेकेदार के द्वारा करने पर और ज्यादा लगता है। उसके बाद हम लोगों का डिमांड है कि पुल चौक से राजा चौक की ओर लेवल मिला करके तब जाकर के ढलैया किया जाए। आखिर लोग जिस समस्या से जूझ रहे थे वो समस्या तो आप तकरीबन 45 लाख में लोगों का कहना आगे तक बढ़ चुका है। आखिर इस समस्या आखिर जो जल्द आप कहते हैं लेवल करने की बात करते ठेकेदार के द्वारा बातचीत आपने किए थे, आप लोग यहाँ का स्थानीय मुंशी आया था, मुंशी को कहे कि जो तुम जो ऊंचाई वहाँ किया आप जो है वहाँ से पुल तक से लेवल मिला उसके बाद जो है ढलैया करना होगा। तो बोला कि नहीं यहाँ से जो है बस यहीं तक जो करेंगे इसके बाद नहीं करेंगे, इसके बाद मिट्टी हम नहीं डालेंगे या गिट्टी नहीं डालेंगे। तो हम लोग कहे कि नहीं ऐसे ढलैया नहीं होगा, जब तक लेवल नहीं मिलाओगे तब तक ढलैया नहीं होगा। 400 मीटर से ऊपर हम लोग को ज्यादा दिक्कत होने लगा। इस मीटर पे स्कूटी साहब से भी बात किया गया, ठीक है, जेई साहब से भी बात किया गया, उन्होंने बताया कि हम आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं, आज हम बाहर हैं, कल बारिश हो रहा है, इस पे टाल मटोल कर दिया गया, ठीक है। अभी तक उन्होंने मिलने के लिए नहीं आए, देखने तक के लिए नहीं आए, क्या हो रहा नहीं हो रहा। रोड तो निर्माणधीन है तो क्या लगता है, निर्माणधीन जी 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 निर्माणधीन रोड है तो क्या लगता है जो समस्या से लोग जूझ रहे थे दशकों से जूझ रहे थे वो समस्या नहीं बढ़ गया। पहले यही था कि पहले कहीं और था, अब कहीं और हो गया जी। नाली की व्यवस्था नहीं है प्रॉपर, जिस तरह से जल जमाव की समस्या, अगर नाली हो तो पानी रोड से जो है ना रोड बह के चौक पर चल जाता था, आगे निकल जाता था। ऐसे रुकना नहीं, एक ही चीज है जिससे निजात मिल सकता है वो पुल चौक से लेवल करके फिर ढाले, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। पानी पुल चौक से राजा चौक की तरफ निकास होता है, अभी जो कंडीशन है वो राजा चौक की तरफ से पानी आके यहाँ पे लगा हुआ रहेगा, ठीक है। पहले से ज्यादा बढ़ चुका जी जी जी। राजेश कुमार जी, राजेश कुमार व्यवसायी थे हमारे पीछे और तमाम व्यवसायी लोग यहाँ पर मौजूद है जल में, अभी देखिएगा जल में खड़े हुए हैं और समस्या जो है वो लोगों का कहना है जो पहले से काफी भयावह रूप हो गया और मेरा भी जूता देखिए किस तरह से भीग चुका है। यहाँ पर मैं सभी लोग यहाँ पर जल में खड़े थे, लोग खपा है इन चीजों से, जिस समस्या से लोग जूझ रहे थे पहले उनसे ज्यादा जूझेंगे और जो समस्या तकरीबन 100-150 मीटर समस्या था वो समस्या अब 300 मीटर में बनने जा रहा है। लोग इन बातों से खपा है, लोगों का मांग है ताकि ठेकेदार के द्वारा जो लेवल है जो बाजितपुर पुल चौक है बाजितपुर पुल चौक से लेवल करते हुए अगर राजा चौक की तरफ जाया जाए तो इस समस्या से लोगों को सदा के लिए निजात मिल सकता है। बाकी आपका क्या कहना निश्चित रूप कमेंट में बताइएगा। बने रहे हमारे साथ दृष्टि न्यूज विद्यापति।